ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए 13 जून 1973 के मधुर महावाक्यों पर मनन और चिंतन करेंगे। आज की मुरली का विषय है रूहानी योद्धा, सर्व बंधन मुक्त, त्रिकालदर्शी, सर्वशक्तिवान, विश्व कल्याणकारी, श्रेष्ठ कर्म सिखाने वाले और श्रेष्ठ जीवन बनाने वाले। बाबा बोले, अपने को रूहानी सेना के महारथी समझते हो? सेना के महारथी किसको कहा जाता है? उनके लक्षण क्या होते हैं? महारथी अर्थात इस रथ पर सवार, अपने को रथी समझे। मुख्य बात कि अपने को रथी समझकर इस रथ को चलाने वाले अपने को अनुभव करते हो। अगर युद्ध के मैदान में कोई महारथी अपने रथ अर्थात सवारी के वश हो जाए तो क्या वह महारथी विजयी बन सकता है? यहाँ तक ले लेते हैं। बाबा ने महारथी की जो परिभाषा दी कि अपने रथ पर रथी के रूप से सवार होने वाले, नहीं उसको नियंत्रण में रखने वाले। अब आप देखेंगे कि युद्ध के मैदान में जब पहले समय में युद्ध होते थे और स्वयं उसमें सेनापति उसमें जाते थे तो सबसे जो बड़ी सवारी होती थी वो हाथी की होती थी। कि हाथी पर सवार होते थे, फिर उसके बाद घोड़े पर सवार सैनिक होते थे, उसके बाद प्यादा सैनिक होते थे। तो बाबा ने कहा कि ये शब्द भी कहाँ से निकले, महारथी, घोड़े सवार और प्यादा। तो महारथी, पिछली मुरली में आपको याद होगा बाबा ने महारथी को कहा था घोड़े सवार और प्यादा की भेंट में महारथी सापेक्ष। अब बाबा ने महारथी को डिफाइन किया है कि रथी मैंने जो रथ के ऊपर सवार हो। जैसे आत्मा जो है शरीर की रथी है, शरीर रथ है ना। और हम एग्जांपल भी देते हैं जब लोगों को समझाते हैं कि जब आत्मा निकल जाती है तो जो डेड बॉडी जाती है उसको अर्थी कहते हैं, अर्थी यानी उसका रथी निकल गया। तो रथी मैंने आत्मा। तो बाबा कहते हैं कि ऐसी महान आत्मा है जो हर वक्त शरीर को अलग, अपनी सवारी को अलग, अपने आप को अलग समझ के सवारी के मालिक बनकर उसको जब चलाना चाहें, जहाँ चलाना चाहें, जहाँ रोकना चाहे रोक सकें, वो है महारथी। तो फिर बाबा ने कहा कि सेना है पूरी, एक दो आत्माएं तो स्वर्ग में नहीं जाएंगी, पूरी सेना है। पूरी सेना विजय पाती है, जो जिसको कहा जाता है गीता में तो उन्होंने उसको हिंसक सेना दिखा दिया, पांडवों की सेना को भी हिंसक दिखा दिया है। लेकिन भगवान कहते हैं कि पांडव सेना, शक्ति सेना, हिंसक सेना नहीं है, वो तो विकारों पर विजय पाने की सेना है। तो उस पूरी सेना के अंदर अगर कोई ऐसा आत्मा जो रथी रथ के वश में हो जाए, जैसे इमेजिन करिए कि सेना की पूरी टुकड़ी है और उसमें हाथी मस्त हो जाता है और हाथी सवार को घुमाता फिरता है। तो आपने पता है आपको कि कई कहानियाँ हिस्टोरिकली जिसमें के हाथियों ने ही, पोरस के हाथियों ने ही उसकी सेना को रौंद डाला था, क्योंकि सिकंदर ने पीछे से जाकर हमला किया था। तो अपनी सेना को वो खराब नुकसान कर देगा, बजाय विजयी बनने के विघ्न स्वरूप बन जाएगा। तो बाबा कहते हैं कि सारे हमारे इस ईश्वरीय कार्य में रथी बनकर, आत्मा बन के
और अपने रथ को कंट्रोल करेंगे, इसके इंद्रियों को कंट्रोल करेंगे, इसके संबंधों अन्य सभी चीज़ों को कंट्रोल करेंगे। इसलिए कहा गया देह सहित देह के सब संबंधों को, तो देह है हमारा पहला रथ। बाबा ने जो मुरली का आरंभ किया कि क्या आप रूहानी सेना के महारथी समझते हो, तो उससे ये लगा कि बाबा ने हमको महारथी अर्थात टॉप क्लास वॉरियर के रूप से समझने को स्वयं को कहा है। जैसे वो कहते हैं ना, आत्माओं में भी तो क्वालिटीज है ना, तो कहते हैं महान आत्मा। तो महान आत्मा मैंने क्या, शरीर तो सब के एक समान होते हैं, जो किसी शरीर रूपी रथ में महान कार्य करे उसको महान आत्मा कहते हैं। उस हिसाब से अन्य की भेंट में महारथी साधारण आत्मा, उसके बाद कुछ गुणों वाली आत्मा, एक महान आत्मा, उसके बाद देव आत्मा भी होता है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि महारथी मैंने महान आत्मा, जो इस शरीर रूपी रथ के द्वारा महान कर्तव्य करे। अपनी सेना के विजयी रूप बनने के बजाय वो विघ्न रूप बन जाएगा, हलचल मचाने के निमित्त बन जाएगा। तो जो भी यहाँ इस रूहानी सेना के योद्धा हो, क्या वही इस रथ के रथी बने हो? तो बाबा जो सामने बैठे उनसे पूछ रहे हैं कि आप इस रथ को रथी बन के चला रहे हो, बीच बीच में रथ तो नहीं आपको भटका रहा? जैसे योद्धे सर्व व्यक्तियों सर्व वैभवों का किनारा कर युद्ध और विजय इन दो बातों को सिर्फ बुद्धि में रखते हुए अपने लक्ष्य को पूर्ण करने में लगे हुए होते हैं। अब युद्ध के मैदान में जो होते हैं उनको अपने मित्र संबंधी घर वैभव सब भूले हुए होते हैं, उनका एक ही लक्ष्य होता है कि हमने युद्ध करना है और विजय पानी है। वैसे ही अपने आप से पूछो कि दो बातों का लक्ष्य है या और भी कई बातें स्मृति में रहती हैं, ऐसे योद्धे बने हो। कहीं भी रहो लेकिन सदैव ये स्मृति रहे, हम युद्ध के मैदान पर उपस्थित हुए योद्धे हैं। क्योंकि योद्धे को फिर युद्ध और विजय यही ध्यान में रहेगा, मुख्य लक्ष्य ये होगा ना। कहीं भी रहे, गृहस्थ में रहे, बिजनेस में रहे, कुछ भी करे, उसका लक्ष्य तो यही होगा ना। तो बाबा कहते हैं इन दो शब्दों के लक्ष्य रखने से अब अन्य चीज़ों में बरतते हुए भी उनसे वैराग वृत्ति होगी। योद्धे कभी भी आराम पसंद नहीं होते, योद्धे कभी भी आलस्य और अलबेलेपन की स्थिति में नहीं रहते, योद्धे कभी भी शस्त्रों के बिना नहीं रहते, सदैव शस्त्रधारी होते हैं। योद्धे कभी भी भय के वशीभूत नहीं होते, निर्भय होते हैं। योद्धे कभी भी सिवाय युद्ध के और कोई बातें बुद्धि में नहीं रखते। बाबा ने योद्धे की विशेषताएं बताई, आराम पसंद नहीं होते, आलस और बेलेपन से दूर होते हैं, वो भय नहीं करते और शस्त्र से सुसज्जित, हर वक्त अपने शस्त्रों से सुसज्जित, हर वक्त युद्ध के मैदान में अपने आप को समझ हाजिर। और ये बाबा ने जो कहा ना, युद्ध के अतिरिक्त और कोई बातें बुद्धि में नहीं रखते, क्योंकि उनका लक्ष्य ये है कि हमने विजय पानी है। सदैव योद्धेपन की वृत्ति और विजयीपन की स्मृति, योद्धेपन की वृत्ति और विजयी बनने की स्मृति में रहते हैं। क्या हम सभी भी एक दूसरे के साथ विजयी रहते हैं? ये अपने आप से पूछना है कि पहले पहले तो विजय एक दूसरे के साथ चाहिए कि नहीं। इस दृष्टि से एक दूसरे को देखते हैं, ऐसे ही रूहानी योद्धों की सदैव दृष्टि में ये रहता है
कि हम सभी एक दूसरे के साथ महावीर हैं, विजयी हैं। इन्हें हम एक दूसरे सेना के साथी हैं, एक दूसरे के सहयोगी हैं, एक दूसरे से मिलकर युद्ध कर रहे हैं और हमारा कॉमन लक्ष्य विजय प्राप्त करना है। क्योंकि कई आपस में अगर सेना के सैनिक लड़ने लग जाएं, एक दूसरे को तीर मारने लग जाएं, तो फिर क्या होगा? दुनिया के अंदर आप देखेंगे तीर मारने के कई अर्थ होते हैं। मान लीजिए किसी जगह आज की दुनिया में किसी बोर्ड की किसी कमेटी की मीटिंग हो रही है, उसमें अनेक हेड ऑफ डिपार्टमेंट बैठे होते हैं, तो प्रायः क्या देखा जाता है कि कोई इशू निकलता है तो उसमें कोई किसी चीज़ की जिम्मेवारी ठहरानी है, तो हर एक अपनी जिम्मेवारी को टाल कर दूसरे पर डालेगा, तो एक दूसरे से ही वो युद्ध कर रहे हैं एक प्रकार से। तो यहाँ पर क्या होता है, बाबा कहते हैं ये सेना ऐसी है, इसमें एक दूसरे के सहयोगी बन के लक्ष्य को, विजय के लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। वो आपस में जो कोई लड़ता झगड़ता रहेगा, उसके ना तो वो युद्ध दूसरे जिससे करना उससे करेगा, ना विजय पाएगा। तो सेना अपनी शक्ति आपस में गवा रही है। बाबा कह रहे हैं हम हर सेकेंड हर कदम में युद्ध के मैदान पर उपस्थित हैं, सिर्फ एक ही लगन विजयी बनने की रहती है, सर्व संबंध व सर्व प्रकृति के साधनों से अपनी बुद्धि को डिटैच कर दिया है। ये सेना का पहला लक्षण है। जैसे सैनिक होता है सारे अपने आराम सारे संबंध को भूल के तब युद्ध करता है ना, तो बाबा कहते हैं बुद्धि से डिटैच कर दिया है। आप देखेंगे कभी भी आपसी अगर मतभेद द्वंद्व होता है तो उसके पीछे अभिमान होता है, कई बार उसके पीछे लोभ होता है, कई बार उसके पीछे किसी ना किसी का स्वार्थ या मोह होता है, ये चीज़ें होती हैं ना, या कभी क्रोध आ जाता है, तो ये विकार ही आपस में लड़वाते हैं। और जो विकारों को जीतने वाली सेना है वो आपस में नहीं लड़ेगी, वो इकट्ठे होकर के विकारों को समाप्त करने के लिए युद्ध करेगी। बाबा पूछते हैं किनारा कर लिया है या युद्ध के मैदान में हो लेकिन बुद्धि की तारें संबंध व कोई भी प्रकृति के साधनों में लगी हुई हैं, अपने को संपूर्ण स्वतंत्र समझते हो या कोई बात में परतंत्र भी हो? योद्धा हो, युद्ध सामने युद्ध के मैदान में बंकर में पड़ा है और वो अपने घर की बातें सोच रहा है, प्रॉपर्टी खरीदने की बातें सोच रहा है, तो बाबा कहते हैं अचानक कुछ हो जाए तो फिर इसलिए फोकस तो नहीं रहा ना। संपूर्ण स्वतंत्र अर्थात जब चाहो इस देह का आधार लो, जब चाहो इस देह के भान से ऐसे न्यारे हो जाओ जो जरा भी ये देह अपनी तरफ खींच ना सके। ऐसे अपनी देह के भान अर्थात देह के लगाव से स्वतंत्र, अपने कोई भी पुराने स्वभाव से भी स्वतंत्र, स्वभाव से भी बंधाए मान ना हो। अब बाबा कहते हैं योद्धा स्वतंत्र होना चाहिए, उसकी बुद्धि में जैसे शुरू में बाबा ने कहा कि युद्ध और विजय ये बातें होनी चाहिए, अगर अन्य अन्य चीज़ों के प्रभाव में आएगा तो स्वतंत्र तो नहीं होगा ना। उसको युद्ध करने के लिए मान लो कई जगह मौके मिलते हैं, अगर उसके ख्याल में ये आता है कि मैं बाहर ही ना निकलूं, अगर मैं मारा गया तो मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरी बेटी की शादी होनी आदि आदि, तो इंडिपेंडेंटली युद्ध तो नहीं कर सकेगा ना। योद्धा तो जान हथेली पे रख के चलता है तो विजय को पाता है। एक तो बाबा ने कहा जब चाहो देह का आधार लो, जब चाहो उससे दूर हो जाओ, दूसरा कहा है देह के लगाव से स्वतंत्र, और तीसरा कहा है पुराने स्वभाव से भी स्वतंत्र, स्वभाव से ही बंधाए मानना हो। क्योंकि देह से अलग होना तभी संभव है, एक तो देह का लगाव ना हो, फिर अपने स्वभाव के वश में ना हो और संबंधों के भी प्रभाव में ना आए, तो ये सारी चीज़ें लिंक्ड है ना। अगर आत्मा देह से न्यारी है, यानी जो बाबा ने शुरू में कहा योद्धा को भय नहीं होता, योद्धा निर्भय होता है। अब अगर किसी को भय किस चीज़ का आता है कि मेरा अगर शरीर छूट गया तो इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, उसका क्या होगा, तो भयभीत योद्धा कई बार लड़ते नहीं,
कई बार तो दुश्मन को सरेंडर हो जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए, कि जो उसको मारने की बजाय उसके सरेंडर हो जाते हैं, और वहाँ जाके कई भेद भी बता देते हैं अपनी सेना के। इसलिए बाबा कहता है कि योद्धे का बिल्कुल न्यारा होना आवश्यक है। बाबा कह रहे हैं अपने संस्कारों से भी स्वतंत्र, अपने सर लौकिक संपर्क व अलौकिक परिवार के संपर्क के बंधनों से भी स्वतंत्र। यानी लौकिक का भी बंधन और अलौकिक के भी बंधन से भी न्यारे हो, ऐसे स्वतंत्र बने हो, ऐसे को कहा जाता है संपूर्ण स्वतंत्र। ऐसी स्टेज पर पहुंचे हो वह अभी तक एक छोटी सी कर्मेंद्री भी अपने बंधन में बांध लेती है। यानी बाबा कहते हैं यहाँ तो इंद्रियों पर विजय की बात है ना, सो राज्य की बात है ना, अपने ऊपर राज्य करना। तो अगर किसी एक छोटी सी इंद्री के भी प्रभाव में है, वो आपको बांध लेगी और आपको स्वतंत्रता नहीं देगी। मान ले कोई कान का कच्चा है, जैसे कहा जाता है कान का कच्चा का अर्थ होता है कोई बात उसको सुना दे उसके विश्वास कर लेता है। अब किसी को ऐसी इंद्री है, अब वो क्या होगा कि उसके जजमेंट पावर परख शक्ति में डिफेक्ट आ जाएगा, किसी ने उसका कान भरा हुआ जिसको कहते हैं। इसी प्रकार से किसी को जिह्वा का स्वाद है, अब वो व्यक्ति इंडिपेंडेंट तो नहीं है ना, तो जिह्वा का स्वाद उसको बांध देगा। किसी को कुछ ना कुछ, मन ही चंचल है, मन के अंदर कई प्रकार की कशिश है, आकर्षण है, रस्सियाँ हैं, बंधन है, तो सारी चीज़ें न्यारी हो तब आत्मा देह की स्वराज्य अधिकारी कहलाएगी ना, कि मेरा इस देह के ऊपर राज्य है अर्थात मैं विजयी हूँ। तो बाबा ने कहा ऐसी स्टेज पर पहुंचे हो वह अभी तक छोटी छोटी कर्मेंद्रियां भी अपने बंधन में बांध लेती हैं। अगर छोटी सी चींटी शेर को अथवा महारथी को हैरान कर दे तो ऐसे महारथी व शेर को क्या कहेंगे? शेर कहेंगे। महारथी हाथी को भी कहते हैं ना, ये मान ले कि हाथी है, आप देखेंगे हाथी हमेशा फूंक मारता रहता है, क्योंकि कहा जाता है कि चींटी अगर उसकी सूंड में चढ़ जाए और अंदर जाके काट ले कहीं तो उसकी मृत्यु हो सकती है। तो एक छोटी सी चींटी, हाथी किसी से नहीं डरता, बड़ा ताकतवर होता, चींटी से डरता है, हर वक्त फूंक फूंक कर चलता है, जैसे कहते हैं ना फूंक फूंक कर कदम रखना, तो हर कदम पर उसको भय है। इसी प्रकार शेर है, शेर को छोटी सी किसी चींटी से डर जाए, चिड़िया से डर जाए, शेर थोड़ी कहलाएगा। तो बाबा कह रहे हैं एक व्यर्थ संकल्प मास्टर सर्वशक्तिवान को हैरान कर दे या एक पुराने 84 जन्मों का जड़जड़ी भूत संस्कार मास्टर सर्वशक्तिवान महावीर विघ्न विनाशक त्रिकालदर्शी सुदर्शन चक्करधारी को परेशान कर ले, पुरुषार्थ में कमजोर बना दे, ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान को क्या कहेंगे? एक व्यर्थ संकल्प अगर बुद्धि को हैरान परेशान कर सकता है, या कोई पुराना संस्कार एक रहा हुआ है वो बांध के रख देता आत्मा को, तो बाबा कहते हैं ऐसे को फिर क्या कहेंगे? जिस समय इस स्थिति में होते हो उस समय अपने ऊपर आश्चर्य नहीं लगता ये शब्द निकलना कि मुझे व्यर्थ संकल्प आते हैं व पुराने संस्कार स्वभाव अपने वशीभूत बना लेते हैं व बाप की याद का अनुभव नहीं है, बाप द्वारा कोई प्राप्ति नहीं है व छोटे से विघ्न से घबरा जाते हैं, निरंतर अति इंद्रिय सुख व हर्ष नहीं रहता, खुशी का अनुभव नहीं होता, क्या वो बोल ब्राह्मण कुल भूषण के हैं? ऐसे ब्राह्मणों को कौन से ब्राह्मण कहेंगे? नामधारी ब्राह्मण। नाम के ब्राह्मण हो गए ना, धारणा तो नहीं हुई ना। अगर सच्चे ब्राह्मण कहलाते और ये बोलते तो द्वापर युगी ब्राह्मणों और ऐसे कहलाने वाले ब्राह्मणों में क्या अंतर है? बाबा कहते हैं आपको बताया गया है कि द्वापर युगी ब्राह्मण कुख वंशावली ब्राह्मण है, वो जात पात के ब्राह्मण है, कर्म कांड आदि भक्ति के काम कराते हैं। ये असली ब्राह्मण कौन है? जो ब्रह्मा मुख वंशावली पैदा हुए,
मर्जीवा बने, शिव बाबा का ज्ञान धारण करने वाले। तो हमेशा फर्क बाबा बताते हैं कि वो कर्म कांड करने वाले हैं, स्थूल यज्ञ करने वाले हैं, दान पुण्य शास्त्र पढ़ने वाले हैं, और तुम जो हो ईश्वरीय ज्ञान सुनाने वाले, पवित्रता को धारण करने वाले, इंद्रियों को, अगर तुम भी उनकी तरह ही हो गए तो फिर फर्क क्या रहा। वर्तमान समय ब्राह्मण बनने वाली आत्माएं अपने आप को देखें कि क्या ब्राह्मणपन का पहला लक्षण अपने जीवन में लाया है। अब बाबा हमको बता रहे हैं कि जो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हैं, उनके जो पहले पहले उनको लक्षण बताए गए धारणा के, वो जीवन में हैं। तो पहला लक्षण कौन सा है? और संग तोड़ एक संग जोड़। अमर जीवा का मतलब ही क्या होता है कि पुराने से मर गए, नए में जिए। ये उसी शरीर में रहते हुए मर जीवा जन्म होता है ना। तो बाबा कहते हैं और संग तोड़, लौकिक पुराने कर्म बंधनों, कर्म के हिसाब किताब तो तोड़ो, पुराने शरीर से भी बुद्धि को भुलाओ और एक संग जोड़ो, जो एक परमात्मा, एक मत देने वाला, एक धर्म की दुनिया स्थापन करने वाला, उनसे उनके स्मृति लब्ध बनो और इससे नष्टो मोहा करो, उसको भूलो, उसको याद करो। अगर अपनी कर्मेंद्रियों की तरफ भी जोड़ है तो क्या ये ब्राह्मणों का पहला लक्षण है? जब पहले पहले प्रतिज्ञा व पहला पहला मर्जीवा जन्म का बोल ब्राह्मणों का यही है कि एक बाप दूसरा न कोई। पहले बाबा ने प्रतिज्ञा, पहले बाबा ने कहा और संग तोड़ एक संग जोड़, अब कहा एक बाप दूसरा न कोई, एक संग ऐसा जुड़ जाए कि और किसी की स्मृति न रहे। अथवा पहला लक्षण है तो पहले इस लक्षण व प्रतिज्ञा को व पहले बोल को निभाया है, या एक कहते भी अनेकों तरफ जुटा हुआ है, तो क्या ऐसा नामधारी ब्राह्मण विजयी कहलाएगा? अब बाबा कहते पहला ही प्रतिज्ञा, पहला ही लक्षण जो है अगर नहीं होगा तो फिर सच्चा ब्राह्मण कहलाएगा मुख वंशावली विजयी। नष्टो मोहा होने भी अगर विजय नहीं है और स्मृति लब्ध होने में भी विजय नहीं है, ना वो भूल सका है ना पूरा याद कर पा रहा है, तो उसको बाबा कहते हैं मर्जीवा सच्चा ब्राह्मण कहेंगे। ब्राह्मणों के लिए इतने बड़े विश्व के अंदर अपना ही छोटा सा संसार है। ऐसे छोटे से संसार में हर कार्य करते ऐसे ब्राह्मण विश्व के जिन भी आत्माओं को देखते हैं उनको सिर्फ एक कल्याण की ही भावना से देखते हैं, और कोई नाता नहीं रहता, चाहे मित्र हो, चाहे संबंधी हो, चाहे विरोधी हो, चाहे कुछ भी हो, उस्तत करने वाला हो या निंदा करने वाला, एक ही नज़र से देखते हैं कि इसका कल्याण हो। संबंध और लगाव की भावना से नहीं, लेकिन सिर्फ ईश्वरीय सेवा के भाव से। पांच तत्वों को देखते हुए, प्रकृति को देखते हुए, प्रकृति के वश नहीं होंगे, लेकिन प्रकृति को भी सतो प्रधान बनाने के कर्तव्य में स्थित होंगे। क्योंकि बाबा कहते हैं प्रकृति को भी शुद्ध करना है। दुनिया के अंदर भी जब ब्राह्मण यज्ञ रचते हैं, आप जानते हैं, उसमें हवन में कई चीज़ें डालते हैं, घी डालते हैं, और तो कहते हैं इससे जो अग्नि के द्वारा फैलेगा वो उस चीज़ का प्रभाव, क्योंकि अग्नि हर चीज़ के प्रभाव को बढ़ा देती है। अग्नि में मिर्चें डाल दो तो देखो कितना ज़बरदस्त उसका प्रभाव पड़ता है, लोग छींक मारना शुरू कर देते हैं। तो अच्छी अच्छी चीज़ें जिसको हवन सामग्री कहते हैं वो डालते हैं कि वातावरण शुद्ध हो जाए। वो तो स्थूल वातावरण है, कितना शुद्ध हो जाएगा आप आसपास का। लेकिन बाबा कहते हैं कि ये जो प्रकृति को भी शुद्ध करने का आपका संकल्प है कि जैसी आत्मा होगी वैसी प्रकृति को शुद्ध करेगी, और दूषित आत्मा होगी, मन में अगर दूषित प्रदूषण होगा तो प्रकृति को भी प्रदूषित करेगा। तो बाबा कहते हैं तो ब्राह्मणों का तो ये काम है प्रकृति का भी शुद्धिकरण करना,
उससे तमो प्रधानता को दूर करना। जो स्वयं प्रकृति को परिवर्तन करने वाले हैं, क्या वो स्वयं प्रकृति के वश होंगे? जो अभी प्रकृति को वश नहीं कर सकते, वो भविष्य में सतो प्रधान प्रकृति के सुख को नहीं पा सकते। सीधा सीधा हिसाब है। तो प्रकृति के वश तो नहीं होते हो, ये तो ऐसा होगा जैसे कोई डॉक्टर रोगी को बचाने जाए लेकिन स्वयं रोगी बन जाए। कर्तव्य है प्रकृति को परिवर्तन करने का, उसके बजाय प्रकृति के वश हो जाए तो क्या उनको ब्राह्मण कहेंगे? हाँ, बाबा बता रहा है कि प्रकृति जीत ही ब्राह्मण है। पांच इंद्रियों को जीता हुआ, प्रकृति को जीता हुआ वही ब्राह्मण है, तत्वों के प्रभाव में जो ना आए। इसीलिए सतयुग में शरीर छोड़ने के लिए आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता, पूरी आयु भोकर शरीर छोड़ती है, बीच में रोग नहीं आता। प्रकृति सतो प्रधान है और आत्मा प्रकृति को जीती हुई है। आपने कहा तत्वों के प्रभाव में, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। मान लो किसी को रोग बुखार आ जाता है, अब बुखार आ गया शरीर को, तो बुखार आत्मा को प्रभावित करता है ना, तो उस बुखार के भी कारण को समझकर उसको परमात्मा से योग लगा के उसकी शक्ति को कम करके सूली से कांटा बना के, बाबा कहते पहाड़ को राई बनाकर या रुई बनाकर जो चलता है वो प्रकृति जीत है। क्योंकि अभी तो प्रकृति तमो प्रधान है, किसी न किसी रूप में आएगी, लेकिन जब उसको जीत लेंगे सतो प्रधान एक बारी हो जाएगी, उसके आगे नहीं आती। जैसे किसी चैंपियन के आगे कोई भी चैंपियन चैलेंज करता है तो कई प्रकार के चैलेंज आते हैं, लेकिन जो सब चैलेंजेस को जीत जाता है, खड़ा हो जाता है मैं चैंपियन हूँ, और कोई आओ भी किसी को आना तो आए, तो वो जीता हुआ कहलाता है ना। तो बाबा ने कहा ब्राह्मण तो सभी बने हो ना, कोई कहेगा क्या कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ? ब्राह्मण बनना अर्थात ऐसे लक्षण धारण करना। तो ऐसे लक्षणधारी हो या नामधारी हो, ये अपने आप से पूछेंगे। क्योंकि ब्राह्मण तो सब बन गए, जिसको भी ब्रह्मा कुमार कुमारी बना वो ब्राह्मण बन गया। अब आप कहते उसमें दो कैटेगरी हैं, एक तो नाम के और एक काम के। जिन्होंने उसका स्वरूप बने, लक्षण धारण किए, वो तो सच्चे ब्राह्मण, बाकी नामधारी ब्राह्मण नाम मात्र के। आज की इस मुरली से ब्राह्मणों की परिभाषा बहुत अच्छी स्पष्ट हो रही है। केवल ब्राह्मण यही नहीं कि मुखवंशावली या पवित्रता का व्रत लेने वाले हैं, परंतु बाबा ने ब्राह्मणों की गहराई बहुत जबरदस्त, यानी सरेंडर हो गए, लौकिक से अलौकिक में आ गए, सफेद वस्त्र धारण करने शुरू कर दिए, ब्राह्मण ने बाबा का बैज मिल गया, और उसके बाद क्लास में आके बैठ गए, बुद्धि इधर उधर भटक रही है, इंद्रियां वश में नहीं हैं और व्यर्थ संकल्प परेशान कर रहे हैं। बाबा ने बताया पुराने संस्कारों के वश में हैं, किसी से ईर्ष्या कर रहे हैं, किसी से द्वेष कर रहे हैं, या कहीं मान शान की इच्छा है कि भाई मैं करूं उसका मुझे सम्मान में रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, तो गुलाम ही हो गए ना, इच्छाओं के गुलाम, इंद्रियों के गुलाम, वो स्वतंत्र कैसे हुए? ब्राह्मण को तो स्वतंत्र होना है। ब्राह्मण जन्म की विशेषता क्या है जो और कोई जन्म में नहीं होती? हाँ, ये बाबा ने आज इतना अच्छा सम्मान और इतनी अच्छी वैल्यू हमें इस जन्म की समझाई है, अगर इसी को कोई याद में रखे तो उसको ऊंचे सिंहासन पे बैठा रहे और सदा नारायणी नशे में रहे। ब्राह्मण जन्म की विशेषता ये है कि अन्य सर्व जन्म आत्माओं द्वारा आत्माओं के होते हैं, लेकिन एक ही ये ब्राह्मण जन्म है जो परम पिता परमात्मा द्वारा डायरेक्ट जन्म होता है। देवता जन्म भी श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा ही होता है। देवताओं के संतान देवता बनेंगे ना, परमात्मा द्वारा नहीं।
तो ब्राह्मण जन्म की विशेषता जो सारे कल्प के अन्य कोई जन्म में नहीं है, ऐसी विशेषता संपन्न जन्म है तो उन आत्माओं की भी विशेषता क्या होनी चाहिए? बाबा ने बताया ना, कभी कभी बाबा बताते हैं ये जो आजकल के ब्राह्मण हैं वो भी जब नमन करते हैं, नमय करते हैं, वंदना करते हैं तो खुद कहते हैं ब्राह्मण देवी देवाय नमः, कि तुम तो स्वयं ब्राह्मण हो, तुम कौन से ब्राह्मण को नमय कर रहे हो। फिर बाबा समझाते हैं कि वो जो ब्रह्मा मुख वंशा वाली ब्राह्मण हैं उनको नमन कर रहे हैं, उनको चोटी दिखाई गई है, अर्थात ये नहीं कि उनको चोटी का चिन्ह रखते थे, उनकी जो स्थिति थी टॉप क्लास थी, यानी ऊँचे से ऊँची स्थिति ब्राह्मण थी। आजकल भी देखेंगे चार वर्ण में देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र कहते हैं, ब्राह्मण को गुम कर दिया। तो बाबा कहते हैं असली तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण ही देवता बनते हैं, इसलिए ब्राह्मण देवी देवाय नमः कहा जाता है। यूँ तो अपने कर्म कांड में हर जगह ब्राह्मण का स्थान है, आज भी किसी का जन्म होगा, गृह प्रवेश होगा, विवाह होगा, मृत्यु होगा, सब में ब्राह्मण का महत्व है, लेकिन वो रिचुअलिस्टिक यादगार रूप है। असली ब्राह्मण जो थे, जो चोटी जिनकी अपनी धारणा चोटी की थी, जो जाके देवता बनते हैं। कभी कभी बाबा ये भी कहते हैं सोचना चाहिए कि देवताओं ने कौन सी पढ़ाई पढ़ी, कहाँ पर वो संस्कार धारण किए जो देवता बन गए। फिर बाबा कहते हैं ये जो कहते हैं मनुष्य से देवता बने, या सत्यनारायण की कथा सुन के नारायण सत्यनारायण जैसे बन गए, वो सारी कथाएँ इस समय की हैं। बाबा कह रहे हैं अन्य सर्व जन्म आत्माओं द्वारा आत्माओं के होते हैं, लेकिन एक ही ब्राह्मण जन्म है जो परम पिता परमात्मा द्वारा डायरेक्ट जन्म होता है, यानी डायरेक्ट संतान है, बीज से डायरेक्ट निकली हुई रचना है। देवता जन्म भी श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा ही होता है, परमात्मा द्वारा नहीं। तो ब्राह्मण जन्म की विशेषता जो सारे कल्प के अन्य कोई जन्म में नहीं है, ऐसी विशेषता संपन्न जन्म है तो उन आत्माओं की भी विशेषता क्या होनी चाहिए? जो बाप के गुण हैं वही ब्राह्मण आत्माओं के गुण होने चाहिए, वो गुण भी इस ब्राह्मण जन्म के सिवाय और कोई जन्म में नहीं आ सकते। जैसे इस ब्राह्मण जीवन में त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, ज्ञान स्वरूप बनते हो, वैसे और जन्म में बनेंगे क्या? तो जो सिर्फ ब्राह्मण जीवन के गुण हैं, ये विशेषताएं हैं, उसको इस ब्राह्मण जीवन में अनुभव न किया तो फिर कब करेंगे? अब बाबा कह रहे हैं ना कि ब्राह्मण जन्म एक ही बार होता है, उसके गुण विशेषताएं भी एक ही बार आते हैं। कोई देवताओं की दुनिया में जाके इस प्रकार के गुण धारण नहीं करता, वो धारण करके आत्मा देवता बनती है। तब बाबा कहते हैं कि जो ईश्वर के गुण हैं उसकी संतान है, वो बच्चों के गुण हैं। और उसमें बाबा ने बताया त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, तीनों लोकों को जानने वाले त्रिनेत्री, और किसी जन्म में भी आत्मा को ये पता नहीं होता कि हम कहाँ से आए हैं, कब आए थे, और सृष्टि चक्र कैसे घूमता है, सुदर्शन चक्र क्या होता है। तो बाबा कहते हैं इतनी विशेषताएं हैं ना, ब्राह्मण बन और ब्राह्मण जीवन की विशेषता का अनुभव न किया तो ब्राह्मण बनकर किया क्या? जैसे अन्य आत्माओं को कहते हो कि परमात्मा की संतान होकर और बाप को नहीं जानते हो तो कौड़ी तुल्य हो, आप ऐसे कहते हो ना सभी को, लेकिन कोई हीरे तुल्य जन्म लेकर भी हीरे समान जीवन नहीं बनाते हैं। हीरा हाथ में मिले और उसको पत्थर समझ उसका मूल्य न जाने, ऐसे को क्या कहा जाता? महान समझदार, उल्टा समझदार, दूसरा शब्द तो नहीं बोलना चाहिए, उल्टे रूप के महान समझदार कभी ऐसे तो नहीं बन जाते हो। जैसे दुनिया को कहते हो कि भगवान के बच्चे होकर भगवान को नहीं जाना तो जीवन कौड़ी तुल्य है। अब बाबा कहते हैं भगवान द्वारा हीरा
जन्म लेकर के तीनों कालों तीनों लोकों का ज्ञान धारण करके भी अगर उस हीरे को पत्थर समझा, जीवन में परिवर्तन नहीं किया, हीरे जैसा जीवन नहीं बनाया, तो उसको कौन सा अकलमंद कहेंगे? साधारण बात नहीं है। बस हम भी ब्राह्मण बन गए। सदैव अपने को चेक करो, ब्राह्मण जीवन को निभा रहा हूं। अच्छा, ऐसे श्रेष्ठ जन्म, श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ जीवन, श्रेष्ठ सेवा में सदा चलने वाले श्रेष्ठ आत्माओं, विश्व कल्याणकारी आत्माओं और सर्व बंधनों से संपूर्ण स्वतंत्र आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। आज की मुरली का सार है, जैसे योद्धे सर्व व्यक्तियों सर्व वैभवों से किनारा कर केवल दो बातों को बुद्धि में रखते हैं, युद्ध और विजय, वैसे ही अपने आप से पूछो कि इन दो बातों का लक्ष्य रखा है या और भी कई बातें स्मृति में रहती हैं। सदैव याद रखो, हम हर सेकंड हर कदम युद्ध के मैदान पर उपस्थित हैं। दूसरा, अगर छोटी सी चींटी शेर को अथवा महारथी को हैरान कर दे, तो ऐसे महारथी व शेर को महारथी कहेंगे क्या? इसी प्रकार अगर एक व्यर्थ संकल्प मास्टर सर्वशक्तिवान को हैरान कर दे या पुरुषार्थ में कमजोर बना दे, तो ऐसे को मास्टर सर्वशक्तिवान कहेंगे? बाबा ने जो ये बात कही है कि हम बच्चों के अंदर सदा एक कल्याण की ही भावना हो, उसको कहेंगे ब्राह्मण। यानी बाबा ने बताया है जो योद्धा होते हैं, युद्ध के योद्धा, और ये जो ब्राह्मण योद्धा अहिंसक युद्ध के, ये जो सेना कही गई है पांडव शिव शक्ति सेना, ये अहिंसक सेना है। शास्त्रों में तो ये दिखा दिया गया है कि पांडव कौरव दोनों लड़े, यानी पांडवों ने भी युद्ध किया और कौरवों ने भी युद्ध किया, जिसको देव असुर संग्राम भी कहा गया। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि देवताओं और असुरों में लड़ाई हुई। अब असुरों के तो आसुरी संस्कार हैं, वो तो युद्ध कर सकते हैं। अब देवताएँ तो दैवी संस्कार वाले हैं, जिनका प्रथम लक्षण अहिंसा परमो धर्म है। आप देखेंगे देवताओं की दुनिया में जो बताया जाता है कि भारत के आदिकाल में स्वर्णिम युग में शेर और गाय एक घाट जल पीते थे। जब पशुओं में भी अहिंसा थी तो हिंसा कहाँ से आएगी? अब परमात्मा तो अहिंसा को भी सर्वश्रेष्ठ धर्म कहा गया है, हिंसा परमो धर्मा। तो परमात्मा ने तो अपनी पांडव शक्ति सेना को विकारों से युद्ध करवाई, जो मनोविकार अंदर के हैं, काम क्रोध लोभ मोहंकार, यानी 100 राज्य अधिकारी बनाया अपनी इंद्रियों का। सारी मुरली में यही था, इंद्रियों को जीतो। लेकिन जब कंपैरिजन करते हुए बाबा ने कहा कि जैसे योद्धा होता है, अब युद्ध के अंदर ये योद्धा होता है, उसके दो लक्ष्य होते हैं, एक तो युद्ध करना और जीत पानी है, तो तुम अहिंसक योद्धाओं का लक्ष्य क्या है? उसमें बाबा ने कहा कि जितनी भी आत्माएं तुम्हारे संपर्क में आती हैं, चाहे वो आपके मित्र हैं, संबंधी हैं, विरोधी हैं, निंदा करने वाले हैं, कुछ भी हैं, उन सब को आपने एक ही नज़र से देखना है, कल्याण के भाव से। तो बाबा ने कहा जैसे योद्धा का लक्ष्य होता है युद्ध करना, अन्य सब बातों को भूल करके। योद्धा बाबा ने कहा ना, अपने आराम को, अपने संबंधों को, यहाँ तक बाबा ने कहा ना केवल अपने लौकिक, अपने ईश्वरी सेवा के संबंधों से भी न्यारा होना है। सिर्फ एक ही भावना रखनी, इसका भी कल्याण हो, इसका भी कल्याण हो, उसमें ना स्वार्थ हो। क्या युद्ध के मैदान में कल्याण की भावना रह सकती है? हिंसक युद्ध के किसे कहेंगे? हिंसक युद्ध के मैदान में तो विजय को कल्याण गिना गया कि मुझे विजय पानी है, बस
तो विजयी जो होता है, कहता ना कि जो जीत जाता है बस वही है, ही हु विंस विंस। लेकिन दुनिया के युद्ध की तो यहाँ बात नहीं हो रही। भगवान ने कहा तो महारथी हो, तो महान महाभारत बता दिया गया कि ऐसा युद्ध जो महाभारत का युद्ध था, तो भारत को महान बनाने वाला युद्ध था। अब महान बनाने वाला, आजकल भी स्लोगन है मेरा भारत महान, तो मेरा भारत तब महान होगा ना अगर भारतवासी महान होंगे। तो महान बनाने वाला युद्ध भारत को, वो कौन सा होगा? वो लड़ाई करने का, हिंसा करने का, खून करने का थोड़ी होगा। तो भगवद गीता में उन्होंने केवल एक मिस्टेक करके, जो आध्यात्मिक युद्ध है, सारी गीता आपको आप करेंगे सारा आध्यात्मिक ज्ञान है, आत्मा का, परमात्मा का, कर्मों का, मुक्ति का, जीवन मुक्ति का, ज्ञान भक्ति सारा आध्यात्मिक। अब बताइए इसमें युद्ध की बात कहाँ है कि तुम इसको मारो उसको मारो। और पांडव और कौरव दोनों ही लड़ें, अगर देवता भी लड़ाई करना शुरू कर दें या परमात्मा की शक्ति सेना लड़ाई करना शुरू कर दे तो वो भी हिंसक हो गए, तो दोनों में फ़र्क क्या रहा? इसलिए गीता के अंदर एक चैप्टर में दोनों के लक्षण बताए गए हैं। दैवी संपदा के ये लक्षण हैं, आसुरी संपदा के ये लक्षण हैं। और दैवी संपदा का पहला लक्षण है ही अहिंसा। तब बाबा कहता है कि तुम्हारा लक्ष्य जो तुम अहिंसक युद्ध करने वाले, आपने प्रश्न यही पूछा कि एकमात्र कल्याणकारी क्या है, कि हर एक का कल्याण हो, हर एक अपने विकारों के मुक्ति पाले, यहाँ तक प्रकृति भी सतो प्रदान हो जाए, ये हमारा लक्ष्य है। इसलिए बाबा कहते हैं विश्व कल्याणकारी की वृत्ति रखो। हाँ, ये थी बाबा की आज की मुरली। और आज की मुरली में हमने पाया कि रूहानी योद्धा किसे कहते हैं, और बाबा ने जो आज ब्राह्मण जन्म की बात कही है कि हम डायरेक्ट भगवान के द्वारा जन्मे हुए हैं, बहुत ही नशे की बात है। अगर इतनी भी याद हमें रहे तो अतीन्द्रिय सुख में सदा रह सकते हैं। ओम शांति।